नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज, जनमत की बात आरके जायसवाल के साथ। कार्यक्रम में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के हमारे आज के मेहमान हैं कोहाट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व सुप्रसिद्ध समाज सेवी लेखराज मदान जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मैं आरके जायसवाल और हमारे साथ मौजूद हैं कोहाट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लेखराज मदान जी। लेखराज मदान जी, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। महंगाई चरम पर है, कैसे देखते हैं आप इसे? महंगाई का तो चरम पर नहीं है, महंगाई तो असहनीय हो चुकी है आम आदमी के लिए। आज कोई भी चीज है, आदमी मतलब पेट्रोल डीजल के अलावा खाने की चीजें, सब्जियां, फल सब महंगे हैं। उसका कारण यह है कि जैसे पेट्रोलियम पदार्थ की चीज रेट बढ़ते हैं तो वो नेचुरल है कि ढुलाई के भाड़े बढ़ जाएंगे, तो फिर वो चीज सब ढुलाई होके आती है तो उनके रेट भी बढ़ रहे हैं। दूसरा क्या है कि जैसे सरसों का तेल का उदाहरण लेते हैं, गवर्नमेंट ने उसको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बाहर कर दिया, यानी कि अब गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है कोई भी किसी भी प्रकार से। जो जमाखोर हैं वो कितने भी स्टॉक लिमिट रख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी स्टॉक रख सकते हैं। तो बड़े बड़े ऑपरेटरों ने सरसों को खरीद गए, वे किसान 95% किसान तो अपनी फसल आते ही बेच देते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता है, तो वो MSP खरीद के उसका स्टॉक करके तेल के मनमाने ढंग से भाव बढ़ा दिए। यही चीज है, यदि किसान जो बिल का विरोध कर रहे हैं उसका मेन कारण यह है कि बड़े ऑपरेटर किसानों से कम भाव में लेके और उसको स्टॉक करके जमाखोरी करके लोगों को महंगी चीज देंगे तो लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। तो महंगाई की तो हालात यह है कि कोई गवर्नमेंट रिलीफ देने की जगह कोरोना काल में हर देश ने अपने अपने नागरिकों को रिलीफ दिया, कुछ स्टेट यहां कर रहे हैं, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट तेल के दाम बढ़ा देगी रिलीफ देने की जगह, लोगों को तेल के दाम बढ़ा देगी, लोगों को हर चीज पे टैक्स। आप देखो कोरोना काल में जो कोरोना से संबंधित मेडिकल इक्विपमेंट है उन पे GST नहीं हटाई, यानी सरकार तो आपदा में अवसर निकाल दे, कमाई का कैसे किया जाए। अब तेल के रेट बढ़ा के पिछले 7 साल में सरकार ने 22 लाख करोड़ जनता की जेब काटी है, तो बेवजह मतलब तेल के कारण क्यों कि दाम क्यों बढ़ रहे हैं? कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तो दाम बढ़ नहीं रहे, हमारे पड़ोस के देशों में सब में तेल के प्राइस भारत से बहुत कम है। तो ये सिर्फ खाली अपनी जो बैंकों को खाली किया गया या जो उद्योगपतियों के 6.5 लाख करोड़ के लोन राइट ऑफ किए गए उनकी पूर्ति जनता की जेब से काट के कही जा रही है, यानी कि गरीब से लो और अमीर को दो, ये इस गवर्नमेंट की पॉलिसी है। और हमारे देश में अपने दिल्ली प्रदेश में शीला दीक्षित के टाइम में एक कैप था कि वैट 20% से ज्यादा नहीं हो सकता, तो केजरीवाल साहब ने सरकार में आते ही उसको कैप को हटाया क्योंकि प्रचंड बहुमत था, उसको कैप को 20 से 30% कर दिया। जो डीजल पे पहले 16.45% वैट था वो अब 30% है। तो केजरीवाल साहब ने भी जनता को लूटने में कोई कसर नहीं रखी है, सिर्फ विज्ञापन के अलावा कुछ काम नहीं है। केजरीवाल साहब, आप इनके 2015 के मैनिफेस्टो देखो तो उसमें इन्होंने कहा कि हम 50 लाख लोगों को पाइप से घर में टूटी द्वारा पानी पहुंचाएंगे, वो कहां है? बसें खरीदेंगे, 7,000 बसों की 3,000 बसें रह गई हैं, वो नहीं हुआ। 20 नए कॉलेज खोलेंगे, 500 स्कूल खोलेंगे, 15,000 जगह वाईफाई लगाएंगे, 15 लाख कैमरे लगाएंगे, तो ऐसे इतने वादे किए हैं कि जो कुछ नहीं। एक प्रचार, एक आपने देखा होगा कि कोरोना हेल्पलाइन का नंबर 1031 के लिए इन्होंने पूरी दिल्ली में पोस्टर लगाए, बसों पे, इवन द मेट्रो में। इतना पैसा खर्च करने की जगह यदि वो कोरोना पीड़ित को कोई राहत देते, जैसे कि आज गरीब आदमी है, एक गवर्नमेंट स्कीम दे रही है कि भाई 5 किलो अनाज देंगे, 5 किलो अनाज गरीब आदमी को, उसको पिसाने को भी पैसा चाहिए, उसके लिए मसाला तेल बाकी चीजें भी तो चाहिए, उसकी जगह आप विज्ञापन करते हो गरीब के खाते में पैसा डालो ताकि वो अपना जीवन करे, 5 किलो अनाज को खाएगा भी तो सही, चलाएगा थोड़ी उसको, पिसवाने का भी सही, उसके लिए उसको सब्जी भी चाहिए, नमक भी चाहिए, तेल भी चाहिए, मसाले भी चाहिए। तो ये चीज नहीं सिर्फ विज्ञापन की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और ये भी। कोरोना काल में जब
कुछ सरकार नहीं दे पा रही थी तब तो ये छुपके बैठे थे, अब कोरोना कम हो गया है, प्रकोप कम हो गया है महामारी का, तब टीवी पे आके अपने लंबे चौड़े बखान करने लग गए। तो ये सब पब्लिक को समझ चुकी है कि पब्लिक को ये राहत नहीं देंगे, उल्टा पब्लिक को लूटेंगे, गरीबों से लूट के अपने चंद पूंजीपति मित्र हैं उनको लाभ पहुंचाएंगे। जो नई नई जो आपके जो पीएसयू हैं या बहुत कंपनियां सरकारी कंपनियां उनको कोड़ियों में के दाम बेच के उनकी वर्थ बढ़ाए जा रहे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है, कोरोना संकट के दौरान तो काफी लोग बेरोजगार भी हुए हैं, रोजी रोटी का संकट उन पर जूझ रहा है। देखो बेरोजगारी तो पिछले 3 साल से बहुत हो गई है, आज बेरोजगारी 12% से ऊपर है देश में, और दिल्ली में तो हमारे जो ईमानदार सरकार है जो कहती है हम पब्लिक के लिए सब कुछ करते हैं वहां बेरोजगारी की रेट तो 46% है। जो केजरीवाल साहब 2 लाख रोजगार हर साल दे रहे थे तो आज वो रोजगार की तो हालत ये है कि दिल्ली में रोजगार नहीं है लेकिन क्राइम बढ़ गया। अब वो क्राइम बढ़ने को बढ़ाने को ही रोजगार कह सकते हैं तो केजरीवाल जी कह दें जी हमने तो रोजगार बढ़ा दिया। झीना झपटी हो रही है, मोबाइल छीने जा रहे हैं, चैने छीनी जा रही हैं, मतलब लूटपाट हो रही है, उसका कारण यह है कि बेरोजगारी बढ़ गई है। तो केजरीवाल सरकार सिर्फ प्रचार कर रही है कि हमने ये कर दिया। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आप उठा के देख लो सरकार का, जो कोरोना महामारी के टाइम में तो उन्होंने साफ कहा कि ये मोहल्ला क्लिनिक तो वेस्टेज ऑफ मनी है, ये हाईकोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपने 14 महीने क्या किया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, 2017 में द्वारका का जो मल्टी 1200 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 2017 में बनकर तैयार हो गया, वो आज तक तैयार नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी दिल्ली, लेकिन बेशरम है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बेशरम है, दिल्ली गवर्नमेंट बेशरम है। अब ये है कि पब्लिक अब इनको समझ चुकी है, आने वाले टाइम में पब्लिक जरूर इनको सबक सिखाएगी, क्योंकि ना तो कोई भी रिलीफ नहीं है, ना महामारी से, ना वैक्सीनेशन में, ना आपके महंगाई से कोई राहत है, उल्टा कमर महंगाई बढ़ा के कमर तोड़ दी गई है पब्लिक की। आगामी 6 महीने बाद एमसीडी के चुनाव है अपने दिल्ली में, और पिछले हम चुनाव की बात करें तो भाजपा ने भी घोषणा किया था और आम आदमी पार्टी ने भी घोषणा किया था कि हम करप्शन खत्म कर देंगे, तो आप मानते हैं कि करप्शन खत्म हुआ है? अब आप देख लो 6-6 महीने से 4-4 महीने से लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो करप्शन खत्म हो जाता तो ऐसी स्थिति क्यों आती, करप्शन तो बड़ा है। अब आप चाहे आप ये देखो कि जो सीएजी की रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट 75% नहीं आने दे रही पब्लिक, मतलब सार्वजनिक पटल पे नहीं रखी जा रही है ताकि इनके घोटालों पे पर्दा पड़ा रहे। जब 15 साल पहले बीजेपी नहीं थी एमसीडी में तब आपने सुना था भी सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला या डॉक्टरों को वेतन नहीं मिला या शिक्षकों को वेतन नहीं मिला, क्योंकि क्योंकि वो सरकार चलाते थे, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम में है एमसीडी। सिर्फ नूरा कुश्ती होती है, आप इनकी देखो वो आरोप लगाता है इतने 1000 करोड़ वो खा गया, इतने 1000 करोड़ वो खा गया, सिर्फ पोस्टरबाजी में आरोप लगते हैं। यदि खा गया तो आपके सेंट्रल में गवर्नमेंट है, आप केजरीवाल के खिलाफ जांच कराओ, और केजरीवाल को लगता है एमसीडी में भ्रष्टाचार है तो केजरीवाल अपने स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी से क्यों नहीं जांच कराती है? ये जांच नहीं कराएंगे, खाली नूरा कुश्ती है, एक दूसरे को खाली बोलेंगे ताकि लोग बेवकूफ बने रहें। ये दोनों अंदर से एक है, केजरीवाल बी टीम है बीजेपी की, तो ये सिर्फ जांच के जांच नहीं करवाएंगे, खाली आरोप लगाएंगे एक दूसरे पे ताकि दुनिया का लोगों का असली मुद्दे बेरोजगारी है, पानी की कमी है दिल्ली में, आज देखो 6-7 दिन में एक बार टैंकर जाता है और वहां फिर सिर्फ फुटबॉल होती है, और जो पानी कह रहे हैं कि हम टैंकी पाइपलाइन से पहुंचा रहे हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूं रोनी के 24 सेक्टर का ऑथराइज कॉलोनी है, पाइपलाइन डली हुई है, 2 दिन में एक बार पानी आता है, यमुना को साफ कराएंगे, आज यमुना को जाके देखो जहरीला झाग बना हुआ है। तो कुछ नहीं, सिर्फ विज्ञापन करते हैं और कुछ नहीं करते। आप बताओ कि आप कहते हैं जी हमारा वो क्या नाम से हमारा जो हेल्थ सिस्टम है दिल्ली का वो वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास है तो केजरीवाल जी की वाइफ क्यों गई थी एमएक्स में इलाज कराने, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में क्यों नहीं कराया, या सत्येंद्र जैन जी के फादर गए थे वो मेदांता में क्यों गए, आपके हाँ जैन साहब खुद मैदान था में क्यों गए,
तो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में क्यों नहीं इलाज करवाया अपना, यानी उनको पता है ये सिर्फ विज्ञापन के वर्ल्ड क्लास हैं, बाकी सुविधा कुछ नहीं है। आप कहते हैं जी हमने शिक्षा का स्तर सुधार दिया है, हमारा रिजल्ट है। आप ये बताओ जो आपके 12वीं पास करके बच्चे निकलते हैं उसमें से कितने परसेंट को DU में एडमिशन मिलता है, या कितने परसेंट अच्छे कॉलेजों में टेक्निकल कॉलेजों में उनको एडमिशन मिलता है, वो बताओ ना। जो राजीव गांधी ने नवोदय विद्यालय सर्वोदय विद्यालय खोले थे वो तो राजीव गांधी ने खोले थे, आपने क्या किया है? आपने एक स्कूल नहीं खोला सिवाय विज्ञापन के, कमरे बना दिए। आप ये बताओ कितने शिक्षकों की नियुक्ति करी उसमें, कमरे के बच्चों को दीवारें पढ़ाएंगे? शिक्षक भी तो चाहिए। तो सिर्फ ये सोती बातें करते हैं, सिर्फ ये विज्ञापन करते हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो लोगों को झूठ बहकाया, क्या पहले कहते हैं हम बंगला नहीं लेंगे, हम कार नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। आप उनके पुराने भाषण देखो उसमें वो दुबले पतले नजर आते हैं, और अब देखो विकास तो केजरीवाल जी का खूब हुआ है। 6 महीने बाद नगर निगम चुनाव है, कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां हैं? कांग्रेस पार्टी कोरोना काल में भी जो जन विरोधी काम किए सरकारों ने, कांग्रेस पार्टी उनको जोर शोर से उठाया है। और आपने देखा होगा हमारे जो सारे ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो यूथ कांग्रेस है, सेवा दल है, कांग्रेस पार्टी है, या हमारे DPCC के अध्यक्ष जी की, और हमारे क्या नाम से जो डिस्ट्रिक्ट ले जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरा बढ़ चढ़ के काम किया। कोरोना काल में भी जब लोग घरों में बैठे थे तो कांग्रेस पार्टी का वर्कर लोगों की मदद कर रहा था। तो ये चीज सब लोगों ने देखा है कि भाई 15 साल से MCD में BJP है, 6 साल इन माशे को भी हो गए हैं, तो ये सिर्फ लफाजी करते हैं, कोई काम नहीं किया, पब्लिक का कोई काम नहीं, कोई फ्लाईओवर नहीं बना, कोई जो भी आप देखो मेट्रो की परियोजना 3-4 साल डिले हैं, जबकि शीला दीक्षित के टाइम में बिफोर टाइम होती थी, जो उसका टाइम लाइन होता तो उससे पहले चालू हो जाती थी। तो ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ लफाजी कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। बिजली फ्री, पानी फ्री, अरे पानी आ ही नहीं रहा तो फ्री तो अपने आप हो गया, जब पानी आप लोगों को दे ही नहीं पा रहे हो तो कहां से फ्री तो हो ही गया। तो 6 महीने के बाद जो चुनाव हो रहे हैं तो पब्लिक जनता जो है वो समझ रही है, सब देख रही है, तो वो उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ अब हो रहा है। तो आप ये देख रहे थे जनमत की पुकार न्यूज, हमारे साथ बने रहिए, नमस्कार।